सर्दियों के मौसम की एक खास बात है, इस समय हमें मिलती है ताज़ी हरी मटर। सर्दियों के मौसम में अगर हमें ताज़ी हरी मटर के पराठे मिल जाते हैं तो इसके आगे सारे पराठे फ्री हैं। हेलो फ्रेंड्स, ट्विंकल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ताज़ी हरी मटर के पराठे की रेसिपी। हरी मटर के पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 कटोरी आटा और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। क्रश करके हम हथेली में रगड़ के डालेंगे, इससे हमारी अजवाइन की स्मेल बहुत ही अच्छी इसमें आती है। 1/4 चम्मच हम नमक मिलाएंगे और उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक अच्छा सा स्मूथ सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसका हम इस आटे को अच्छे से मसल कर इसका अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अगर हमारा डो सॉफ्ट रहेगा तभी हमारे पराठे अच्छे बनेंगे। लास्ट में हम डो के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर उसे अच्छे से हम सॉफ्ट कर लेंगे। अब हमारा डो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस डो को ढककर अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग, मटर की स्टफिंग बनाएंगे। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 कटोरी मटर। इन मटर को हमने अच्छे से छीलकर धोलकर साफ़ करके रख लिया है। हम इन मटर को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हम मिलाएंगे इसमें 1 ग्लास वाटर और हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे। अब हम इन मटर को थोड़ी देर ढककर हम इन्हें पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करेंगे कि हमारा मटर सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हमारा मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से इसे छान लेंगे या छान कर इसे हम अलग कर लेंगे। अब हम इस मटर को मिक्सर में डालकर इसे हम पीसेंगे। अब देखिए, हमने सारा मटर इस जार में डाल दिया है। अब इसमें मिलाएंगे हम 3 से 4 ग्रीन चिल्ली और मिलाएंगे थोड़ा सा गार्लिक की 3-4 कलियाँ मिला देंगे और मिलाएंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। अब हमारा मटर अच्छे से पीस गया है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसकी सारी स्टफिंग निकाल लेंगे और इसे बाहर रख लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी थोड़ी सी अदरक। अदरक इस तरह से हम थोड़ा सा झल लेंगे। उसके बाद हम इसे पराठे में मिलाएंगे। अदरक पराठे में मिलाने के बाद हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। के बाद चाहिए हमें थोड़ा सा प्याज। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप मत मिलाइएगा, मुझे पसंद है इसलिए मैं मिला रही हूँ। अब हम एक कढ़ाई गैस पर चला कर रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जीरा डालने के बाद जो हमने प्याज काटा था वो भी हम इसमें मिला देंगे और उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। हमारा प्याज जब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम मिलाएंगे इसमें मटर की स्टफिंग जो हमने पीस कर रखा था। मटर की स्टफिंग मिलाकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसमें एक सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे, वो है बेसन। इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाने से हमारा इसका जितना भी मॉइस्चर होता है वो सोख लेता है और हमारे पराठे फटते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसे बेसन को मिलाकर हम अच्छे से इसको भून लेंगे। थोड़ा सा मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के बाद मिलाएंगे थोड़ा सा हम वाइट सॉल्ट। वाइट सॉल्ट के बाद हम मिलाएंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट से हमारे पराठे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे जो हमने जिंजर क्रश करके रखी थी वो हम इसमें अदरक मिला देंगे और उसे अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और सबसे लास्ट में मिलाएंगे हम धनिया पत्ती। अब हमारी पराठों में फिल करने के लिए स्टफिंग मटर की बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे पराठे। पराठा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सूखा आटा भी चाहिए होगा ताकि हम उसमें लगा के अच्छे से हम पराठे को बना सकें। अब हम डो को ओपन करके थोड़ी देर उसे मसल लेंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे पराठे। पराठा बनाने के लिए इस तरह से हम 1 रोटी जितना आटा ले लेंगे और उसे दोनों हथेलियों के बीच में गोल करके हम उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर हम इसमें स्टफिंग भर के उसे दबाकर स्मूथली धीरे धीरे करके बेल लेंगे।
अगर आप ना बेल पाए तो आप उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर उसे अच्छे से बना लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है। अब देखिए हमारा पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हमने सारे पराठे बना लिए हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर एक तवा चढ़ाएंगे और पराठे को सेक लेंगे। जब हमारा तवा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इस पर पराठा डाल देंगे। अब हम ऊपर से जब हमारा पराठे का कलर चेंज हो जाएगा तो उस पर ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद हम उसे उलट पलट करके उसे हम अच्छे से स्पैचुला की सहायता से हम उसे पका लेंगे। पराठों की दोनों साइड हम तेल लगाकर उसे अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से स्पैचुला की सहायता से हम दबा दबा कर पराठों को अच्छे से पका लेंगे। अब देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा सा पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे इन पराठों की रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।